हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्ता। आप देख रहे हैं सिंपल लिंक न्यूज चैनल। आपके हमारे सिंपल लिंक न्यूज चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक पेज। जी हाँ फ्रेंड्स, फेसबुक पेज बना के आप किस तरह से, जैसे कि यूट्यूब चैनल कोई बनाता है उसके मोनेटाइजेशन होने के बाद उसमें ऐड आते हैं और उसे अर्निंग होती है फ्रेंड्स, उसी तरह से आप फेसबुक में भी अपना पेज बना सकते हैं, एक पेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मोनेटाइजेशन होने के बाद उसमें ऐड चलता है आपका और ऐड के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से आप फेसबुक पेज बना सकते हो और कब आपका ऐड उसमें स्टार्ट होने वाला है, कब आपका मोनेटाइज शुरू होगा। फेसबुक वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। पहले तो फ्रेंड्स मैं इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि फेसबुक पेज बनाने से तीन क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखने फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पहले तो इसमें आप इसमें 5,000 से ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा लोगों को आप इसमें इनवाइट नहीं कर पाएंगे, बट आपको यहाँ फॉलो लाखों और करोड़ों में लोग कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई भी टैलेंट है, आप उसमें फेसबुक पेज पे अपना दिखा रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब आपका चैनल है, उसमें आप फेसबुक पेज पे छोड़ते हैं और उसमें आपका मेंबर बढ़ जाए, तो उसमें आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो तो आपको कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट आप 5,000 से ज़्यादा मेंबर को उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसकी लिमिट 5,000 है फ्रेंड्स। और उसमें 5,000 होने के बाद आपका मान लीजिए 5,000 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें आपका एडसेंस मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है फ्रेंड्स। उसमें आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा तो उसमें आपका ऐड आएगा फ्रेंड्स फेसबुक पेज में, जिसके जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं इजीली से मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से। मैं इसमें बनाऊंगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मोबाइल से और डेस्कटॉप से किस तरह से अपना फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स इजीली से। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आइएगा तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल में नया सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने गूगल क्रोम में, मैंने इसको गूगल क्रोम में डेस्कटॉप साइट में खोला हूँ फेसबुक को, ताकि जो डेस्कटॉप से करे या फिर कोई मोबाइल से करे दोनों को प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको मोबाइल से ही डेस्कटॉप साइट में कर लिया हूँ। यहाँ पर ऊपर पे जाके अगर डेस्कटॉप साइट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिए। अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ अपना फेसबुक खोल लिया हूँ फ्रेंड्स, जो मेरा सिंपल टेक्निकल नाम से यहाँ पर फेसबुक उसको मैंने खोल लिया है। और यहाँ के ऊपर पर आप देख रहे हैं थ्री लाइनिंग पर आप क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। थ्री लाइनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देखिए मेरे इस तरह से ऊपर का मेरा फेसबुक अकाउंट वो भी खुल गया, और नीचे जो फेसबुक पेज है, मैं पहले इसको दिखा देता हूँ आपको फेसबुक पेज कि किस तरह से मैंने फेसबुक पेज बनाया है। ये देखिए मेरा फेसबुक पेज एक ऑलरेडी बना हुआ है सिंपल टेक्निकल नाम से फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस नाम से आप ऑलरेडी बना चुके हैं फेसबुक पेज, उस नाम से आप नहीं बना सकते हैं, उसको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, आपको नंबर देना होगा या उसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, सेम टू सेम उस नाम से आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए मेरा यहाँ पर जैसे कि फेसबुक पेज खुल गया है फ्रेंड्स, फेसबुक पेज यहाँ पर मैं खोल के उसके बाद यहाँ पर वॉच वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा। ये मेरा यूट्यूब बटन है, यहाँ पर क्लिक करने पर मेरा यूट्यूब बटन पर आ जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप किस तरह से YouTube बटन ऐड कर सकते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए फ्रेंड्स, के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी अपना YouTube बटन या फिर अपना Facebook पेज बना के उस पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बैक करता हूं इसको। बैक करने के बाद यहां पर दोबारा यहां पर थ्री लाइन पे क्लिक करता हूँ। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ फेसबुक का मेरा ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ फेसबुक सॉरी पेज का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर पेज का ऑप्शन पे आप जाके वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। पेज पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ऊपर पे आपका क्रिएट का ऑप्शन दिया जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका क्रिएट लिखा हुआ रहेगा, डिस्कवर लिखा हुआ रहेगा, इनविटेशन लिखा हुआ रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको क्रिएट नहीं हो फेसबुक पेज बनाना, तो यहाँ पर आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मेरा आया कनेक्ट विथ योर ऑडियंस ऑन फेसबुक, मेरे फेसबुक में जितना सारा ऑडियंस है वो इसमें से फेसबुक पेज से कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको गेट स्टार्टेड में कर देता हूँ क्लिक। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको जो हुआ फेसबुक का नाम सॉरी फेसबुक पेज का जो नाम देना चाहते हैं अपना पेज में, जिस ब्रांड का नाम देना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी सिंपल टेक्निकल बना हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अपना नाम देता हूँ यहाँ पर ही विक्रम टैक मैंने कर दिया यहाँ पर फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मेरा कैटेगरी पे आ गया फिर अवार्ड दिस पेज अबाउट, मीन्स आपका किस कैटेगरी के चैनल यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि वो वहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी पे आप वहाँ पर चूज़ कर लीजिए आपका। यहाँ पर कैटेगरी में आपका है ब्यूटी सर्विस है, बुक्स एंड मैगजीन्स है, ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इवेंट्स और से फिल्म है, लोकल बिजनेस है, म्यूजिक है, अदर पीपल स्पोर्ट्स टेलीविजन वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स है फ्रेंड्स। तो आप किस टाइप से यहाँ पर करना चाहते हैं आप अपना यहाँ पर
कर लीजिए फ्रेंड्स कि क्या किस टाइप से यहाँ पर आप देना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो समझाने के लिए पेज बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अदर पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। अदर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए उस पर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक और आता है, मैंने जानबूझ के अदर पे क्लिक किया। अगर कोई भी अदर पे क्लिक करता है तो उसके नेक्स्ट सेलेक्ट सब कैटेगरी पर आता है, मतलब मीन्स अदर में किस सब कैटेगरी पे आप करना चाहते हो। उसमें कम्युनिटी इवेंट, जस्ट फॉर फन, मीडिया, ट्रांसपोर्ट, विजुअल, मैं लाइक दैट यहाँ पर जस्ट फॉर फन करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जस्ट फॉर फन करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है फ्रेंड्स, आप भी जो क्लिक करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पर जस्ट फॉर फन दिख रहा है, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मान लीजिए मेरा ऐड योर वेबसाइट आ गया। मान लीजिए मेरा फिर कोई अगर वेबसाइट है, अगर मेरा कुछ भी अनदर वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उसको यहाँ पर ये कर सकता हूँ ऐड, वरना फिर मैं यहाँ पर ऐड नहीं भी करूँगा तो चलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर स्किप का आपका ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट यहाँ पर नहीं है अवेलेबल बना हुआ तो आप इसको स्किप कर दीजिए फ्रेंड्स, ये आपका इजीली से स्किप हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर लोगों का आपका विक्रम टैक मेरा नाम आ गया है फ्रेंड्स, और उसका यहाँ पर प्रोफाइल चूज़ करने के लिए आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपना लोगों का जो फोटो होता है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप भी अगर यहाँ पर लोगों पर जो फोटो डालना चाहते हैं तो यहाँ चूज़ फोटो पर जाके आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई नॉर्मल सा फ़ोटो एक मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं इसी को ले लेता हूँ अभी। मान लीजिए मैंने ऐसा नॉर्मल सा एक ले लिया आपको सम एग्जांपल समझाने के लिए फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर चूज़ करने के बाद आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप इसको नहीं भी चूज़ करना चाहते तो ऊपर स्किप पे ऑलरेडी कोई भी अगर पेज बनाएगा तो वो तो प्रोफाइल फोटो डालना ही चाहेगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अभी रेडी करके नहीं रखा तो उसको बाद में भी सेट कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा वीडियो के आगे में कि किस तरह से बाद में आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में स्किप का ऑप्शन दिया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर में आप स्किप कर सकते हैं इसको, अगर अभी आप प्रोफाइल अच्छे से बना के नहीं रखे फ्रेंड्स। तो मैंने ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल तौर पर दिखाना चाहता था तो इसलिए मैंने कर दिया। अब फोटो को यहाँ पर करना पड़ेगा अपलोड, यहाँ पर मेरा अपलोड आ गया है फ्रेंड्स। अब इसको नेक्स्ट कर देना पड़ेगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मैंने बताया था कि प्रोफाइल पिक्चर में आपका कोई भी फोटो आप मान लीजिए बना के रख लिए, उसके बाद आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर प्रोफाइल पे जो यहाँ कैमरा पे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर खुलने के बाद देखिएगा ऊपर में बताएगा आपका अपलोड फोटो पर क्लिक कीजिएगा। अपलोड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड फोटो पर जाइएगा। ऐड फोटो में आप अपना कोई भी इमेज आप मान लीजिए सेव करके रख सके हैं तो उसको चेंज यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स इजीली से फ्रेंड्स। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। अब मान लीजिए आप वहाँ पर इसको ये कवर फोटो चेंज करना चाहते हैं या फिर कवर फोटो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैमरा पर ऑप्शन पे जाके डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और या फिर आप फेसबुक एप्लीकेशन से, मैं आपको बता देता हूँ फेसबुक एप्लीकेशन से आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए फेसबुक एप्लीकेशन से आप कर रहे हैं तो फेसबुक एप्लीकेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक पेज मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है जो मैंने अभी बनाया, वो पर यहाँ पर एडिट पर जाके मैं यहाँ पर एडिट कवर एरिया पे जाके यहाँ जो मेरा ऐड का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स ऊपर में, तो ऐड्स पे जाके क्लिक करके यहाँ पर कैमरा रोल पे यहाँ पर जाके मैं कोई भी कवर फोटो अपना यहाँ पर अच्छे से सेलेक्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर कवर फोटो वहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको दे दिया फ्रेंड्स, उसके बाद डन कर दिया तो ये देखिए मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सेव हो चुका फ्रेंड्स कवर फोटो। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं या फिर इनवाइट, पहले मैं बताता हूँ इनवाइट फ्रेंड्स, आप अपने यहाँ कोई भी फ्रेंड्स को किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने मेंबर्स को, किस तरह से आप अपना मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी को भी आपको इन्वाइट करना है या फिर आपको नाम पता है तो यहाँ पर आप उसको नाम से सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर यहाँ पर आपको जिस जिसको आपका जो फेसबुक मेंबर में यहाँ पर जिस जिसको ऐड करना चाहते हैं उसको इन्वाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको इन्विटेशन भेज सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। उसके बाद मैं बताता हूँ आप किस तरह से आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स इजीली से। तो आप मैं चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कहाँ या यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन है, आप तो यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और व्हाट्स ऑन योर माइंड पे यहाँ पर आप मान लीजिए यूट्यूब का लिंक देना चाहते हैं या फिर ब्लॉगर का या किसी भी चीज़ का यहाँ पर लिंक देना चाहते हैं। यहाँ पर अगर फोटो वोटो पोस्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो कोई भी फोटो यहाँ पर ईजिली से आप यहाँ पर
पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने ये फोटो को ले लिया गूगल एक्टिविटी कंट्रोल, इसको अब मुझे मान लीजिए पोस्ट करना है तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आपको देख रहा है, तो आप यहाँ पर शेयर पर जाकर क्लिक कर दीजिए। मेरे को ये फोटो पोस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जाकर आप शेयर पर क्लिक कर दीजिए तो आपका ऑलरेडी ये फोटो सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं फेसबुक पेज पे दिखा रहा हूँ आप वैसे क्रोम पे या फिर क्रोम पे जैसे दिखा है वैसे आप यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्रोम पे इसलिए बताया कि कोई भी अगर पीसी से कर रहा हो या फिर मोबाइल से कर रहा हो तो दोनों को समझ में आए इजीली से, दोनों को तकलीफ ना हो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने डेस्कटॉप साइप करके मोबाइल से क्रोम से बताया। अब एप्लीकेशन से कोई मान लीजिए एप्लीकेशन से ज़्यादा यूज़ करता है अपने फेसबुक को और पेज को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन से खोल के बता रहा हूँ आपको किस तरह से आप यहाँ पर अपना फेसबुक पेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आए फ्रेंड्स वीडियो में लगभग, और मैं यहाँ पर बटन सो जैसे कि ऐड सेक्शंस बटन यहाँ पर अगर ये वीडियो में बताया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको डिटेल में आपको समझा के अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप अपना बटन को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इजीली से फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स।